एज अ सिंगल पेरेंट मुझे 16 साल हो गए हैं हस्बैंड से सेपरेट रहते हुए, और बेटे को भी अकेले देखना, और आगे फैमिली में कोई नहीं है, तो पापा को ये की टेंशन होती थी कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद कौन इसको देखेगा। माय नेम इज रूपाली, आई एम 38 इयर्स ओल्ड, और मैं VLCC और लैक्मे के लिए एज अ नेल ट्रेनर काम करती हूँ। और ट्रैवल मेरा बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे मेरे को 3-3, 4-4 महीने कंटिन्यूसली आउट ऑफ स्टेशन जाके रहना पड़ता है, जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा जो फूड कंजप्शन है वो बाहर का ही होता है, तो उसके कारण मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। बट मैं बाय बर्थ ओवर वेट थी, 5.5 किलो की मैं पैदा हुई थी, बट 2018 मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होना शुरू हो गया था, क्योंकि 2018 में मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। तो 3-3 महीने जब बाहर पे रहना और तीनों टाइम बाहर का खाना, और एज अ ट्रेनर प्रोफाइल में मेरे को मोस्टली सिटिंग मेरा जॉब प्रोफाइल था, तो बॉडी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। किसी फ्रेंड के रेफरेंस से हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, और उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा किया एक्सरसाइज और उनके शेक्स वगैरह यूज़ किए, तो मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। बट जैसे ही मैंने 2-3 महीने बाद वो करके छोड़ा, तो मेरा डबल स्पीड से दोबारा 116 के पास आ गया। हमेशा मेरे फादर को होता था कि रूपाली अपना वेट लॉस करो, जहाँ जाना, इवन कहीं किसी कंपनी में भी जॉब के लिए, लाइक VLCC वाले, लैक्मे वाले, कि रूपाली तुम्हारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी दिखती हो, बट अगर वेट लॉस करोगी तो और अच्छी दिखोगी, स्मार्ट दिखोगी, तो थोड़ा सा वेट लॉस करो। सबका ये रहता था और मुझे रहता था कि नहीं, मैं अपनी वेट के साथ बहुत कम्फर्टेबल हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई हेल्थ इशूज़ नहीं है, तो मुझे नहीं करना है। बट 2018 के स्टार्टिंग में मेरे साथ थोड़ा सा हेल्थ इश्यू शुरू हुआ, कि मेरे को हाई बीपी रहने लग गया, बॉर्डर लाइन पे मेरा शुगर और बॉर्डर लाइन पे मेरा थायराइड आया, तो वहां से मेरे को डॉक्टर ने बोला कि नहीं रूपाली, थोड़ा सा वेट को कम करोगी, और एक मेरे को यूरिन होल्ड करने में प्रॉब्लम आने लगी, जिसके कारण कि मैं कभी भी कहीं भी जाती थी तो मेरे को यूरिन का बहुत इश्यूज रहता था, तो मैं उसके कारण वाटर इनटेक मेरा कम हो गया, मेरे को थकावट हो जाने की, लाइक अगर मैं किचन में काम भी कर रही हूँ, 2 फुलके उतारते मेरी टांगों में दर्द शुरू हो जाता था कि मैं क्या करूँ, मेरे से खाना नहीं बनता था। तो फिर मैंने मेरी डॉक्टर गायनी से पूछा, और मेरे फादर ने भी मुझे कहीं से न्यूज़ में दिखाया कि कोई डॉक्टर साइगल हैं, आप उन्हें कंसर्न तो करो एटलीस्ट एक बारी, यहाँ पे कंसर्न किया डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें गाइड करी, बट उन्होंने ये कहा कि जब तक आप अपने मन से माइंड नहीं मेकअप करेंगे, तब तक आपको ये सर्जरी फायदा नहीं करेगी, फर्स्ट आपको अपना मन बनाना है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थोड़े से मन में डाउट थे, फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई लोगों ने मुझे बहुत नेगेटिव करने की कोशिश करी कि नहीं, सर्जरी के बाद तो हमने कभी किसी को खड़े होते नहीं देखा, हेल्थ इश्यूज और बढ़ जाते हैं, ये हो जाता है। बट जब मैं डॉक्टर साइगल की टीम से कनेक्ट में आनी शुरू हुई, डॉक्टर मोनिका से मिली, उन्होंने भी मुझे चीज़ें गाइड करी, और उसके बाद करते करते रेगुलर उसमें उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंट तो दिया, बट उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बूस्ट मुझे मेरे फादर ने किया कि नहीं रूपाली, तुम्हें अगर तुम या तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, खाना और कंट्रोल और सब चीज़ें करो, नहीं तो तुम्हें ये सर्जरी करानी ही पड़ेगी, इसके बिना कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए अपने आप को, क्योंकि वो मुझे एक हेल्दी लाइफ में देखना चाहते थे, क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट मुझे 16 साल हो गए हैं हस्बैंड से सेपरेट रहते हुए, और बेटे को भी अकेले देखना, और आगे फैमिली में कोई नहीं है, तो पापा को ये की टेंशन होती थी कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद कौन इसको देखेगा। मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं सर्जरी कराऊंगी, और मुझे बहुत सपोर्ट किया डॉक्टर साइगल ने, उनकी टीम में आशा जी ने, शिल्पा ने। जब मेरा सर्जरी हुआ तो सर्जरी के बाद भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि आई वॉन्ट टू मूव, तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के मूव कराया, और मैंने सेम डे ही जिस दिन सर्जरी हुआ था उस दिन रात को मैंने 10 मिनट का वॉक किया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आई, और जिस तरह से वो गाइड करते गए, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली मैं आज अपना अराउंड देखा जाए तो जब मैं यहाँ पे आई थी सर्जरी के लिए, तब मेरा 112 वेट था, अभी मेरा 81.7 केजी का मेरा वेट है। मैं बीच बीच में डॉक्टर मोनिका के साथ यहाँ डॉक्टर साइकिल के साथ कनेक्ट करना भूल जाती हूँ, बट वो लोग मुझे हमेशा रिमाइंडर कॉल करके कि अपना वेट चेक करके बताओ रूपाली कितना है, क्या डाइट ले रही हो, क्या नहीं ले रही हो, तो ऑलवेज दे आर टेक केयरिंग। चाहे मेरे को अभी सर्जरी को साल हो गया, लेकिन स्टिल डॉक्टर मोनिका हैं या उनके स्टाफ के लोग हैं, वो लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मेरा हालचाल पूछते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो मैं बीच बीच में कभी कभी
रास्ता खराब करती हूँ तो मैं वापस रास्ते में आ जाती हूँ। कहीं ना कहीं एक अच्छा डॉक्टर आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी सर्जरी करा रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। उस बेसिस में देखा जाए तो मेरे लिए डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर मीनाक्षी एंड डॉक्टर नरेन मेरे लिए बेस्ट डॉक्टर रहे मेरी लाइफ के, कि तीनों ने मुझे हमेशा लाइफ में बहुत अच्छा गाइड किया। सबसे अच्छी चीज यहाँ की मुझे क्या लगती है कि अगर मैंने अपॉइंटमेंट लिया है ऑनलाइन या कॉल करके तो उस टाइम पे मुझे अपॉइंटमेंट टाइम पे मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर केयरेंस मिलती है। वो पहले भी मिली और बाद में भी मिली और स्टिल अभी तक भी मिल रही है, एक साल हो गया है और मैं अभी भी आती हूँ तो मुझे कहीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है। मतलब आप छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल डॉक्टर तक के लेवल तक देख लो, सब लोग बहुत सपोर्टिव है।